الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله مولانا العلي العظيم محترم حجاج کرام اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں, آج کی مجلس میں خاص طور پر جو حج کے پانچ دن ہیں ان میں ہمیں کیا اعمال کرنے ہیں ان کی یاد دہانی کرنی مقصود ہے. حج میں ہم لوگ عمرہ کر چکے ہیں, جو حج تمتع کا ایک جز تھا, اور اب حج کا مرحلہ ہے. تو کل شام کو حج کا احرام ہمیں باندھنا ہے. اپنے کمرے سے اچھی طرح صفائی کر کے, غسل کر کے اور دو رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھ کر ہم حج کے احرام کی نیت کریں گے. اور یہ دل میں بات بٹھائیں گے کہ ہم حج کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے آسان فرمائیں اور قبول فرمائیں. اور جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا ہوگا کہ جو احرام شروع ہوتا ہے اس میں نیت کی جاتی ہے اور پھر تلبیہ پڑھا جاتا ہے. جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے تو پہلے نیت کرتا ہے پھر اللہ اکبر کہتا ہے, دونوں کے کام کرنے سے نماز شروع ہوتی ہے. اسی طریقے پر احرام کی نیت کرنے سے اور پھر تلبیہ پڑھنے سے ہم احرام میں داخل ہوتے ہیں اور حج کا عمل شروع ہوتا ہے. یہ تلبیہ حج کا خاص ذکر ہے. یہ ایسا ذکر ہے جو آدمی ہر جگہ نہیں کر سکتا, ہر وقت نہیں کر سکتا. بہت سے ذکر ایسے ہیں جو آپ دنیا میں کہیں بھی کریں اور جتنا چاہے کریں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. سبحان اللہ ہے, الحمدللہ ہے, اللہ اکبر ہے, لا الہ الا اللہ ہے, جب چاہیں کریں, جب تک چاہیں کریں. لیکن یہ جو تلبیہ کا ذکر ہے اس کا خاص موقع ہے, اور وہ یہ ہے کہ احرام جب شروع ہوتا ہے عمرے کا تو طواف کے شروع ہونے تک یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے, طواف کے دوران نہیں پڑھا جاتا. جیسے ہی طواف شروع ہوگا تلبیہ بند. ایسے ہی حج میں تلبیہ جب شروع ہوگا احرام کے بعد تو یہ مسلسل جاری رہے گا. 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کی پہلی رمی تک, اس وقت تک تلبیہ پڑھا جائے گا, اس کے بعد نہیں پڑھا جائے گا. اس درمیان میں جو مرد حضرات ہیں وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں, اور جو ہماری مائیں بہنیں ہیں, خواتین ہیں, وہ آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں.
सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हज में सबसे ज़्यादा बेहतरीन अमल कौन सा है, तो आपने इरशाद फरमाया कि अल हज्जु वसज्जु। हज के माना है बुलंद आवाज़ से तलबिये की आवाज़ निकालना, और असज का मतलब है कि क़ुरबानी में क़ुरबानी के जानवर का खून बहाना। ये दो अमल हज में बहुत अल्लाह ताला को पसंद। तलबिये के बारे में हदीस में एक बड़ी अजीब बात फरमाई गई कि जब आदमी तलबिया पढ़ता है हज या उम्रे में, तो सिर्फ वही तलबिया नहीं पढ़ता बल्कि उसके दाई जानिब दुनिया के ख़त्म होने तक जितनी भी मखलूकात हैं दाई जानिब बाई जानिब सब उसके साथ तलबिया पढ़ती हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल्मुल्क, ये गोया के ज़ुबानों पर रहता है उन तमाम मखलूक़ात के जो तलबिया पढ़ने वाले इंसान के दाएं या बाएं मौजूद हैं। कैसा अजीब समा होगा जब हम ये तसव्वुर करेंगे कि हमारे साथ सारी मखलूक़ात तलबिया पढ़ रही हैं। तो बहरहाल कल जब हम एहराम की नियत करेंगे तो तलबिया शुरू कर देंगे, और यहाँ से हमें मीना जाना है। मीना यहाँ से 5-6 किलोमीटर पर एक वादी है दो पहाड़ों के दरमियान, तकरीबन 4.5 किलोमीटर लंबी है, और वहाँ निशानात बने हुए हैं कि यह मीना का शुरू है, यह मीना का ख़त्म है। वहाँ पर हमें परसों क़याम करना है, यानी 8 तारीख को ज़ोहर असर मगरिब ईशा ये 4 नमाज़ें वहाँ पढ़ेंगे, और उस क़याम का मकसद ये है कि हम हज के लिए ज़हनी तौर पर अपने को तैयार करें। सारे लोग एहराम की हालत में आपको नज़र आएंगे, हर तरफ हज का माहौल होगा। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इसी मकसद से सब लोगों को मीना में जमा होने की ताकीद फरमाई। उसके बाद फिर वहाँ से हमें अराफात के मैदान जाना है। होना तो ये चाहिए कि 9 ज़िलहिज्जा को फजर पढ़ कर के आदमी अराफात जाए, 5 नमाजें मीना में हो जाएं। लेकिन अब मजमा बड़ा होने लगा, सब लोगों को कम वक्त में वहाँ मुंतकिल करना मुश्किल है, इसलिए हुकूमत की तरफ से रात ही में ले जाने का निज़ाम बनता है। तो कोई बात नहीं, अगर रात में हमें ले जाया जाए तो बेतकल्लुफ़ रात में चले जाएं। अराफात के मैदान में पहुंचकर जवाल से पहले आप आराम कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, और कोई ज़रूरत हो वो पूरी कर सकते हैं। लेकिन जब जवाल हो जाए और ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाए तो ये हज का सबसे ज़्यादा मुकद्दस और बाबरकत वक्त है, और ये हज का रुकन आज़म है। जिसको अराफात के मैदान में वकूफ़ मिल जाएगा उसी का हज होगा, और अगर ये वकूफ़ छूट जाए तो आदमी का हज हो ही नहीं सकता। तो सबसे ज़्यादा अहमियत वाला जो अमल है वो वकूफ़ अराफात। 9 तारीख को जवाल के बाद से उसका वक्त शुरू होता है। अब हम लोग चूँकि अपने खेमों में रहेंगे तो ज़ोहर अपने वक्त में पढ़ेंगे और असर अपने वक्त में पढ़ेंगे, और जिन लोगों को मस्जिद नमीरा में जाने का मौका मिल जाए, वहाँ के इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का मौका मिल जाए,
तो वो जोहर असर एक साथ पढ़ेंगे, पहले जोहर फिर असर। लेकिन हम ये मशवरा देते हैं कि अगर मस्जिद नमीरा दूर हो आपके खेमे से, तो आप वहाँ जाने के बजाय अपने खेमों में नमाज़ें अदा करें, क्योंकि धूप शदीद है, भीड़ ज़्यादा है, वहाँ अंदर दाखिल होना मुश्किल होता है, सड़क पर नमाज पढ़नी पड़ती है, उसकी वजह से आदमी थक जाएगा और परेशानी पेश आ सकती है। इसलिए अपने अपने खेमों में रहें और अपने अपने वक्त पर नमाज पढ़ें। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा अफजल दुआ मैदान अरफात की दुआ है, और फरमाया कि दुआ के कलिमात में सबसे अफजल कलिमात ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द युही व युमीत व हुवा अला कुल्लि शयइन क़दीर। इसका तर्जमा यह है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई साझी और शरीक नहीं, जिंदगी और मौत उसके हाथ में है, हुकूमत उसी की है, खूबियाँ उसी की हैं, वही हर चीज़ पर कादिर है। ये कलिमात याद कर लिए जाएं और ख़ास तौर पर अरफा के मैदान में इनका विर्द कसरत से किया जाए। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो कलिमात हैं जो तमाम पैगंबरों ने मैदान अरफात में उनका विर्द किया है। तो एक बड़े बुज़ुर्ग हैं हज़रत इमाम सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाह अलैह, उनसे पूछा गया कि इस दुआ को जिसमें सिर्फ अल्लाह की हम्द सना है, इसे कसरत से पढ़ने का हुक्म दिया, इसमें तो कुछ मांगा नहीं गया, इसमें तो अल्लाह की तारीफ है सिर्फ। तो हजरत इमाम सुफियान इब्न उयैना ने जवाब दिया कि एक दूसरी हदीस है, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा जो बंदा मेरी हम्द सना करता रहे और मुसलसल करता रहे, इतनी ज़्यादा करे कि उसे अपने लिए मांगने का मौका ही न मिले, तो मैं मांगने वालों से ज़्यादा उसे अता करता हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला को तो सब पता है हम क्या चाहते हैं, तो उस दिन अल्लाह ताला को हमारी तरफ से हम्द व सना, हमारी ज़ुबान से अल्लाह का जिक्र तलबिया ये पसंद है। लिहाजा जवाल के बाद से लेकर गुरूब तक हमारा अक्सर वक्त अल्लाह की हम्द व सना में, जिक्र व अज़कार में, तिलावत में, दुआओं में, मुनाजात में गुजरना चाहिए। हमारे पास अगर दुआओं की किताबें हों, उन दुआओं को समझ कर के मांगा जाए, सिर्फ यही नहीं कि पढ़ लिया जाए। दुआ पढ़ने की चीज़ नहीं है, दुआ मांगने की चीज़ होती है। दीन और दुनिया जो कुछ भी अल्लाह ने हमें तौफीक दी, उसका हम एहतमाम करें। गुरूब जब हो जाएगा 9 तारीख को, तो वहाँ पर हमें मगरिब नहीं पढ़नी, ये भी अल्लाह ताला की शान है कि अगर आप हिंदुस्तान में रहते हुए मगरिब के वक्त में मगरिब न पढ़ें तो आपकी पकड़ होगी, कज़ा कर दी। और यहाँ पर क्या हुक्म है कि अगर अरफात में कोई आदमी मगरिब पढ़ेगा तो पकड़ होगी कि तुम पहले क्यों पढ़ रहे हो, आज हमने तुम्हारे लिए मगरिब का वक्त बदल करके इशा का वक्त कर दिया है। अब हाजियों के लिए मगरिब की नमाज गुरूब के बाद नहीं पढ़नी, बल्कि मुजदलफे में जाकर इशा के वक्त में ही मगरिब पढ़नी है। अब जब भी चाहे हम पहुँचे, कभी जल्दी भी पहुँच जाते हैं, कभी बहुत देर भी लग जाती है,
सब्र से काम ले। जब भी हम पहुंचे मुजदलफा तो वहां पर पहले मगरिब अदा की जाएगी और फिर ईशा की नमाज पढ़ी जाएगी और एक ही अजान और एक ही इकामत से पढ़ी जाएगी। एक अजान होगी, फिर इकामत होगी, फिर मगरिब होगी, फिर फौरन ईशा की नमाज होगी। मगरिब की जो सुन्नतें हैं, कोई पढ़ना चाहे तो ईशा के बाद पढ़ ले, फौरन नहीं पढ़ी जाएगी। उसके बाद आपको आराम का तकाजा हो तो आप मुजदलफे में आराम करें, कुछ खा पी लें, और भाई अल्लाह तौफीक दे अगर इबादत में आदमी लगे, दुआओं में लगे, तो ये बड़ी मुतबर्रक रात है, इस रात को भी ज़ाय नहीं करना चाहिए। मुजदलफे की रात को लोगों ने बहुत फजीलत की रात कहा है, लेकिन आदमी थका हुआ होता है पूरे दिन का, इसलिए आराम का भी तकाजा होता है, तो अगर तकाजा हो तो कुछ देर आराम कर लिया जाए, जैसे भी हो। उसके बाद फिर सुबह की फजर की नमाज होगी 10 तारीख को, जैसे ही वक्त हो जाए फौरन अजान देकर सुन्नतें पढ़कर फजर की नमाज अदा की जाएगी, और फजर के बाद से लेकर सूरज निकलने तक के दरमियान वकूफ है, मुजदलफा है, ये वाजिब है। बहुत से लोग आपको रात में ले जाने को कहेंगे तो आप उनकी बात नहीं मानिए, रात में नहीं जाना है। फजर पढ़ करके कुछ देर वकूफ करके उसके बाद ही मुजदलफा से मीना के लिए जाना है, और जाने से पहले वहाँ से आप कंकरियाँ चुन लें, कम से कम 7 तो चुन ही लें, वरना तो 49 चुन लें, और 13 तारीख को रहना हो तो 70 चुन लें, ज़्यादा बड़ी ना हो, चने के दाने के बराबर, उससे कुछ छोटी करीब करीब होनी चाहिए, उनको आप किसी जगह जमा करके रख लें। तो वहाँ से हम चलेंगे 10 तारीख को मीना के लिए, और उस दिन हमें 3 काम करने हैं तरतीब के साथ। पहला काम है रमी, बड़े शैतान को रमी करनी। दूसरा काम है कुर्बानी, और तीसरा काम है बाल काटना। मर्द सर पर हलक कराएंगे और औरतें जो हैं वो पोरवे के बराबर बाल काटेंगी। इन 3 कामों में तरतीब होनी चाहिए, पहले रमी, फिर कुर्बानी, फिर हलक, और चौथा काम है हज तवाफ़ ज़ियारत, ये भी फ़र्ज़ है। ये आप 10 तारीख को भी कर सकते हैं, 11 को भी कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, एहराम की हालत में भी कर सकते हैं, और एहराम खोल के भी कर सकते हैं। बेहतर यह है कि हलक कराकर और एहराम खोलकर नहा धोकर फिर तवाफ़ ज़ियारत किया जाए, और आपके मुंतज़िम हज़रात बताएंगे कि आपको रमी कब करनी है और फिर होटल पर कब आना है, वो उसकी पाबंदी करें जो हज़रात भी हैं, ताकि कोई दुश्वारी दरमियान में पेश ना आए। यह तो हुआ 10 दिन का अमल, 10 तारीख का अमल। 11 तारीख को जवाल के बाद तीनों जमरे की रमी करनी है, पहला, दूसरा, तीसरा, और इसी तरह 12 तारीख को भी पहले, दूसरे, तीसरे की रमी करनी है, लेकिन दोनों दिन जवाल के बाद। ये याद रखिएगा, पहले दिन की जो रमी है उसका वक्त 24 घंटे हैं, सुबह सादिक से लेकर 11 तारीख की सुबह सादिक तक, और दूसरे दिन की रमी का जो वक्त है
वो जवान से लेकर और 12 की सुबह सादिक तक है, और उससे अगले दिन की रमी का वक्त भी 12 की जवाल से लेकर और 13 की सुबह सादिक तक है, लेकिन इसमें दरमियान में फर्क है। फर्क यह है कि पहले दिन की रमी में अफजल है जवाल से पहले रमी करना, और जायज है गुरूब से पहले, और गुरूब के बाद बिला उज्र मकरूह है। गुरूब के बाद बिला उज्र मकरूह है, उज्र हो तो कोई हर्ज नहीं। और 11 तारीख को जवाल से लेकर गुरूब से पहले पहले करना अफजल है, गुरूब के बाद कराहत है। 12 का भी यही हुक्म है। तो ये हमारे अमाल हुए, 12 को हमें गुरूब से पहले पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए, और निज़ाम ऐसे ही बनता है, गुरूब से पहले चले जाते हैं, और इस तरह जो 5 दिन के अरकान हैं वो अदा हो जाते हैं। अब सिर्फ एक रुकन, एक हुक्म बाकी रहता है, उसे कहते हैं तवाफ़ विदा। वो जब हम जाने लगेंगे तो तवाफ़ विदा करेंगे, उससे पहले आप उम्रा कर लें किसी की तरफ से, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, और तवाफ़ कसरत से करते रहें, हरम की नमाजें कसरत से पढ़ते रहें, और जब जाने का वक्त करीब हो तो तवाफ़ विदा कर लें। ये मुख्तसर सी तरतीब है अफ़आल की, उनको ज़हन नशीन कर लें। अल्लाह ताला हम सब को हज मबरूर व मकबूल अता फरमाए, और हर तरह की कोताहियों से सरगुजर फरमाए। इस सफ़र के अंदर ख़ास तौर पर उस दिन भी हमने अर्ज़ किया था कि अपने को हर तरह के गुनाह से बचाने की कोशिश करें, गुस्सा गर्मी से बचना है, दूसरों के साथ ज़्यादती करने से बचना है, नज़र की हिफाजत रखनी है, ज़ुबान की हिफाजत रखनी है, कानों की हिफाजत रखनी है, दिल दिमाग को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रखना है। इस तरह से हमारा ये सफ़र होना चाहिए। अल्लाह ताला कबूलियत से नवाजें और कोताहियों से محفوظ رکھیں۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين۔ किसी को कोई बात मालूम करनी हो तो मालूम कर सकते हैं, कोई समझ में समझना हो।